अनाथ बच्ची और जादुई जलपरी। ये कहानी वर्षा नाम की एक लड़की की है। वर्षा जब 5 साल की थी तभी वो अपने माता पिता के साथ एक मेले में घूमने गई हुई थी, लेकिन मेले में भीड़ ज्यादा होने की वजह से वर्षा का हाथ अपने माता पिता से छूट जाता है और वो एक दुकान के सामने खड़ी होकर जोर जोर से रोने लगती है। उसी समय बिमला नाम की एक चालाक और लालची किस्म की औरत की नज़र वर्षा पर पड़ती है और वह उसे अपने बातों में बहला फुसला कर अपने गांव ले आती है। लेकिन शुरू शुरू में तो बिमला वर्षा के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार किया करती थी, लेकिन जैसे जैसे वर्षा बड़ी होती गई, बिमला उसके साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती है और उससे अपने घर का सारा काम करवाती है और बदले में उसे पेट भर खाना भी नहीं देती है और छोटी छोटी बात पर उसे बहुत मारती पीटती भी है। ऐसे ही आज भी। अरे वर्षा, कहाँ मर गई? जल्दी बाहर आ। क्या हुआ मौसी, कोई काम था क्या? अरे मैंने तुझसे कहा था ना, मेरे सारे गंदे कपड़े धो दियो, लेकिन तू यहाँ मेरे कपड़े धोने की बजाय अपने कमरे में बैठकर आराम फरमा रही है। नहीं नहीं मौसी, वो खाना बनाते समय मेरा हाथ जल गया था, बस उसी पर दवाई लगाने के लिए कमरे में गई थी। अरे हाथ जला ही तो है, टूटा तो नहीं? तुझे तो बस काम ना करने का बहाना चाहिए। रुक, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। इतना कहकर बिमला वर्षा को बहुत मारती है। मौसी छोड़ दीजिए, मौसी मुझे मत मारिए, मैं अभी जाकर आपके सारे कपड़े धो देती हूँ, प्लीज मौसी। अब आई ना तेरी अकल ठिकाने पर, जब तक 2-3 डंडे खा नहीं लेती तब तक तेरे काम में मन नहीं लगता। उसी समय बिमला का पति वीरेंद्र वहाँ पर आता है और कहता है, अरे बिमला बस भी करो, ऐसे किसी लवारिस बच्ची को इस तरह मारना अच्छी बात नहीं है, और वैसे भी तुम पहले ही इसे उसके गांव से उठाकर लाने की गलती कर चुकी हो, लेकिन अब इसे इस तरह से इसे परेशान करके अपनी गलतियों का घड़ा और मत भरो, क्योंकि किसी दिन इसके माता पिता को इसके बारे में पता चल गया ना, तो पता नहीं तो वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। अरे तुम तो अपना मुँह बंद ही रखो, जब भी बोलते हो मनहूस ही बोलते हो, इसलिए जाओ और चुपचाप से खाना खा लो, और तू जाकर जल्दी से सारे कपड़े धो, वरना आज पूरे दिन तुझे खाना नहीं मिलेगा, समझी? और इसी तरह बिमला वर्षा पर हमेशा अत्याचार किया करती थी, उसे ना तो पेट भर खाना देती थी बल्कि उसे बात बात पर बहुत मारा भी करती थी। इसलिए वर्षा हमेशा अपने माता पिता को याद करके बहुत रोया करती थी। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ हैं? मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है, प्लीज मुझे यहाँ से ले जाइए, मौसी मुझे बहुत मारती है और मुझसे घर का सारा काम भी करवाती है। तभी वहाँ पर बिमला आ जाती है और कहती है, अरे बंद कर अपना ये रोना धोना और काम पर ध्यान दे, जल्दी से ये सारे कपड़े धो और फिर बाजार जाकर सब्जियाँ ले आ। मौसी हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए कपड़े धोने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो मैं इतनी जल्दी जल्दी कपड़े कैसे धो पाऊंगी? क्यों, खाना खाने के लिए तो बड़े जल्दी जल्दी हाथ चलते हैं तेरे, और काम करने के लिए कह दो तो महारानी के हाथों में दर्द हो जाता है, इसलिए अब जल्दी से काम खत्म कर और बाजार जा, वरना फिर से मुझे अपना डंडा उठाना पड़ेगा। नहीं नहीं मौसी, मैं कर रही हूँ। इतना कहकर वर्षा हाथों में चोट होने के बावजूद भी सारे कपड़े धोती है और फिर सब्जियाँ लेने बाजार भी जाती है, लेकिन बाजार से वापस आते समय रास्ते में एक नदी पड़ती है और उसी नदी के सामने अचानक से वर्षा का सब्जियों का थैला फट जाता है और सारी सब्जियाँ नदी में गिरकर बह जाती है। ये देखकर वर्षा बहुत घबरा जाती है और कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया, अब मैं घर कैसे जाऊंगी, मौसी तो मुझे बहुत मारेगी क्योंकि सारी सब्जियां तो नदी में गिर गई है, अब ऐसे में मैं घर वापस कैसे जा पाऊंगी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, हे भगवान अब आप ही कोई रास्ता दिखाइए। इतना कहकर वर्षा नदी के किनारे बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और जब उस आवाज़ को सुनकर वर्षा नदी में ध्यान से देखती है तो उसे नदी के अंदर एक जलपरी दिखाई देती है जो मछुआरों के लगाए जाल में फंसी होती है। प्लीज मेरी मदद करो, वरना वो मछुआरा मुझे अपने जाल में फंसा कर ले जाएगा और मुझे महंगे दाम में बाजार में बेच देगा, इसलिए प्लीज मुझे बचा लो,
मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जाना चाहती, मेरी मदद करो। अरे आप कौन हैं? आप चिंता मत करिए, मैं अभी आपकी मदद करती हूँ। इतना कहकर वर्षा मछुआरों के लगाए जाल को बीच में से काट देती है, जिससे वो जलपरी आजाद हो जाती है और वो वर्षा से कहती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वर्षा, तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो। अरे आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो अभी तक आपको अपना नाम बताया ही नहीं। वर्षा, मैं एक जादुई जलपरी हूँ और मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। अच्छा, अगर आप एक जादुई जलपरी हैं, तो आप इस तरह से मुझसे मदद क्यों मांग रही थी? क्योंकि वर्षा, अपनी जादुई शक्तियों का अपने ऊपर इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे ये शक्तियाँ दूसरों की मदद करने के लिए मिली है। इसलिए आज तुम्हारी वजह से मेरी जान बच पाई है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तो बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? जलपरी जी, मुझे तो बस अपने माता पिता के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। पता नहीं वे लोग कैसे होंगे, मुझे बस अपने माता पिता से मिलवा दीजिए। जलपरी जी, तुम चिंता मत करो वर्षा, तुम अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। इसलिए जैसा मैं कहती हूँ बस वैसा करो। तुम अपनी मौसी को किसी न किसी बहाने से फिर से उसी मेले में ले जाने के लिए कहो, क्योंकि तुम्हें तुम्हारे माता पिता उसी मेले में मिलेंगे और वे लोग भी तुम्हारा बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। इतना कहकर जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से वर्षा की सब्जियां वापस ले आती है, जिसे लेकर वर्षा अपने घर चली जाती है और जलपरी के कहे अनुसार वो बिमला से कहती है, मौसी, जिस मेले से आप मुझे उठाकर लाई थी उसी मेले के अंदर एक खजाना गड़ा हुआ है। मुझे कल एक पड़ी मिली थी और उसी ने मुझे ये सब बताया है, इसलिए मुझे तो लगता है हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। क्या, तू सच कह रही है? लेकिन ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मौसी, मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन काम की वजह से ध्यान ही नहीं रहा, इसलिए हमें देर नहीं करनी चाहिए, वरना अगर वो खजाना किसी और के हाथ लग गया तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ, तू बिल्कुल सही कह रही है, हम अभी तेरे गांव चलते हैं। सुनिए जी, जल्दी से तैयार हो जाइए, हमें अभी वर्षा के गांव चलना होगा। अरे अब तुम भी क्या इस बच्ची के बातों में आ रही हो? अरे तुम तो चुप ही रहो जी, एक बार चलकर देखने में क्या ही हर्ज है, और अगर कहीं ये बात सच हुई तो सोचो हम लोग कितना मालामाल हो जाएंगे। इतना कहकर विमला अपने पति और वर्षा को लेकर उसके गांव चली जाती है, और उस दिन भी वही मेला लगा हुआ था जिस मेले से वर्षा गायब हुई थी। मौसी, चलो ना अंदर चलकर देखते हैं। हाँ हाँ, जल्दी चलो, वरना वो खजाना किसी और के हाथ लग जाएगा। इतना कहकर वर्षा जैसे ही मेले के अंदर घुसती है, वैसे ही उसे सामने अपने माता पिता खड़े दिखाई देते हैं, और जैसे ही उसके माता पिता उसे देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू छलक उठता है, क्योंकि वो भी कितने सालों से अपनी बेटी का इंतजार कर रहे होते हैं। इसलिए जैसे ही वर्षा उन्हें देखती है, वैसे ही वो भागकर उनके गले लग जाती है, और ये सब देखकर विमला के पैरों तले से जमीन ही खिसक जाती है। माँ, पिताजी, आप लोग कहाँ थे? आपको पता है मैंने आप लोगों को कितना याद किया, और ये औरत मुझे अपने बातों में बहला फुसला कर अपने घर ले गई और मुझ पे बहुत अत्याचार किया। माँ, मुझे माफ कर दे मेरी बच्ची, तेरी माँ तेरा ख्याल नहीं रख पाई, तुझे ढूंढने के लिए न जाने कहाँ कहाँ भटकती रही, लेकिन तेरा कहीं कोई आता पता नहीं चला मेरी बेटी। लेकिन कल रात सपनों में एक परी ने आकर मुझे तेरे बारे में बताया, तो बस इसलिए हम इस मेले में चले आए। उस परी का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें हमारी बच्ची से मिलवा दिया। इसका मतलब ये सब तेरी एक चाल थी? तू मुझे यहाँ बेवकूफ बना कर लाई है? रुक जा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बचोगी तो तुम नहीं। आज तुमने एक माँ बाप से उसके बच्चे को अलग करने का पाप किया है, इसके लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इस औरत को, इसने ही मेरी बच्चे के ऊपर बहुत अत्याचार किया है, इसे इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। और इस तरह विमला को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उसे जेल में बंद कर देती है, और उस जादुई जलपरी की मदद से वर्षा को अपने माता पिता वापस मिल जाते हैं, और वहीं विमला को उसके किए की सजा मिल जाती है। जादुई फ्रॉक का अनोखा कुआं। आराध्य अपनी बूढ़ी माँ शकुंतला के साथ एक मिट्टी के घर में रहती थी।
साध्या के जन्म के तुरंत बाद ही उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद आराध्या के पिता राघव शराब के नशे में डूब गया। शराब पीने की आदत इतनी हद तक बढ़ गई कि वो भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। अब आराध्या को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसकी दादी शकुंतला के कंधों पर आ गई। अब शकुंतला लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करके किसी तरह से अपना और अपनी पोती का पेट पालने लगी थी। तभी एक दिन शकुंतला रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसा दिन दिखा रहे हो मुझ बुढ़िया को। बेटे बहू को गुजरे हुए 15 साल बीत गए। अब कुछ ही दिनों में आराध्या ब्याह करने के लायक हो जाएगी और अभी तक मैं एक भी पैसे नहीं जोड़ पाई हूँ। ऐसे बोलते हुए शकुंतला की आंखों से आंसू टपक जाते हैं। तभी घर की मालकिन मोहिनी उस पर चिल्लाते हुए बोलती है, अरे ओ बुढ़िया, यहाँ अकेले खरी खरी क्या बरबरा रही है? मेरा पूरा परिवार चाय का इंतजार कर रहा है और तूने अभी तक किचन की सफाई भी नहीं की। तू ऐसे नहीं मानेगी, जब तुम्हारी तनख्वाह के पैसे कटेंगे ना, तभी तेरी अकल ठिकाने लगेगी। अरे नहीं नहीं, बुढ़िया के साथ इतना अन्याय मत करो मालकिन। इस तनख्वाह के पैसे से ही मेरा घर चलता है। मैं इन्हीं पैसों से अपनी पोती का पेट पालती हूँ। अगर आप मेरे पैसे काट लोगी तो मैं अपनी पोती का पेट कैसे पालूंगी। भाड़ में जाए तू और तेरी पोती। चुपचाप से जल्दी जल्दी अपना हाथ चला और सभी के लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लेकर आ। समझ में आई मेरी बात? गरीब शकुंतला के लाख गिर गिराने पर भी उसकी मालकिन मोहिनी उसकी एक नहीं सुनती है। बेचारी बूढ़ी शकुंतला सारा काम निपटाकर घर के लिए निकल पड़ती है। चारों ओर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। बेचारी शकुंतला के शरीर पर एक फटी पुरानी कॉटन की साड़ी थी, जिससे ठंड से ठिठुरते हुए वह अपने घर जाती है। तभी उसकी पोती आराध्या उनसे बोलती है, दादी माँ आप आ गई। दादी माँ, मैंने आपके लिए खाना बना दिया है ताकि घर आकर आपको मेहनत ना करना पड़े, और कल खाना बनाने के लिए कुएं से पानी भी भरकर ले आई हूँ। अरे मेरी पोती, तेरा बस चले तो तू अपनी दादी को एक भी काम करने ना दे। चल अब दोनों साथ मिलकर खाना खाते हैं। इसके बाद शकुंतला और आराध्या दोनों दादी पोती मिलकर खाना खाते हैं। खाने में कुछ रोटियां और प्याज के कुछ टुकड़े थे। शकुंतला अपनी पोती के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन कम पैसों की वजह से वो अपनी पोती के लिए कुछ नहीं कर पाती है। तभी शकुंतला अपनी पोती से कहती है, आराध्या बेटी, मुझे माफ कर दे बेटी। तेरी गरीब दादी ना तो तुझे पहनने के लिए अच्छे कपड़े दे पाई और ना ही तुझे अच्छा खाना खिला पाई। आप ऐसा क्यों बोलती हो दादी माँ? मेरा पेट भरने के लिए ही तो आप बीमार होकर भी दूसरों के घरों में जाकर झाड़ू पोछे का काम करती हो ना। और फिर भूखे रहने से अच्छा तो दो सूखी रोटियां भी मिल जाए तो वही काफी है। इसके बाद दोनों दादी पोती खा पी कर सो जाते हैं। और फिर सुबह होते ही आराध्या अपनी दादी से बोलती है, दादी माँ देखो सुबह हो गई, अब आप जल्दी से जग जाओ। आराध्या अपनी दादी को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन शकुंतला ठंड लगने की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। बेचारी आराध्या को 15 साल की उम्र में ही उसकी दुनिया उजड़ गई। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। भूख से तड़पती हुई आराध्या ने लोगों के आगे हाथ फैलाना शुरू कर दिया, मगर किसी ने भी उसे खाने को कुछ नहीं दिया। तभी आराध्या रोते बिलखते हुए अपने घर से दूर एक कुएं पर जाती है और रोते हुए बोलती है, हे कुआं, मुझे खुद में संभालो। मैं इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हूँ। ना तो मुझे कोई काम दे रहा है और ना ही कोई मुझे मुफ्त का खाना देना चाहता है। इस दुनिया में गरीब लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। बचपन से ना तो कभी अच्छा खाने को मिला और ना ही कभी अच्छा फ्रॉक पहनने को मिला, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है
कि जब दो वक्त की सूखी रोटी खाने को नहीं मिल रहा है तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े कहाँ से मिलेंगे। मैं अब इस दुनिया में और जीना नहीं चाहती हूँ। मैं भी आपके पास आ रही हूँ दादी माँ। जैसे ही आराध्या कुएं में कूदने के लिए आगे बढ़ती है तभी अचानक कुएं के अंदर से बहुत ही अनोखी और खूबसूरत फ्रॉक कुएं से बाहर निकलने लगती है। यह देखकर आराध्या हैरान हो जाती है। तभी कुएं से आवाज आता है, आराध्या यह तुम क्या करने जा रही हो? बेटी आत्महत्या करना पाप है। अरे ये सब क्या हो रहा है? पहले तो इस कुएं से इतने सुंदर सुंदर और चमकदार फ्रॉक निकलने लगे और अब यह कुआं बोल भी रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये सब हो क्या रहा है? घबराओ नहीं आराध्या बेटी, मैं एक जादुई कुआं हूँ जिसके अंदर तुम लोगों की तरह ही जादुई फ्रॉक की दुनिया है। मैं तुम जैसे गरीब और लाचार लोगों की मदद करता हूँ। यह सभी फ्रॉक तुम ले लो और तुम इन्हें बेचकर तुम अपनी गरीबी दूर कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जादुई कुआं जी। आराध्या जादुई कुएं का दिया हुआ सारा फ्रॉक लेकर अपने घर चली जाती है और शाम को सभी फ्रॉक को बाजार में बेचने लगती है। आओ आओ कम पैसों में सुंदर सुंदर खूबसूरत फ्रॉक खरीद कर ले जाओ। आओ आओ आराध्या की आवाज़ सुनकर रीना नाम की एक औरत वहाँ पर आती है और उसके फ्रॉक को देखकर बोलती है, अरे वाह बिटिया, ये तो बहुत सुंदर सुंदर और खूबसूरत फ्रॉक है तुम्हारे। ये गुलाबी वाली फ्रॉक कितने की दे रही हो बिटिया? काकी यह फ्रॉक केवल 500 का है। अरे वाह बिटिया, तुम तो इतने कम पैसों में इतना सुंदर सुंदर फ्रॉक बेच रही हो। हाँ काकी, इसी बहाने गरीब लोग भी कम पैसों में ही फ्रॉक खरीदकर अपने बेटियों का शौक पूरा कर पाएंगे। रीना खुशी खुशी आराध्या से उसके फ्रॉक खरीद लेती है। ऐसे ही थोड़ी ही देर में उसके सारे फ्रॉक बिक जाते हैं। शाम को जैसे ही आराध्या घर लौटने को होती है तभी उसके पास रास्ते में एक रोती बिलखती हुई लड़की आती है और उससे कहती है, दीदी मेरी मदद करो, कल मेरा जन्मदिन है और मेरे पिताजी के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर एक फ्रॉक तक दिलवा सके। दीदी प्लीज मेरी मदद करो। आराध्या जैसे ही उस गरीब लड़की को देखती है उसे उसके ऊपर बहुत ही तरस आ जाता है, जिसके बाद वो अनोखे कुएं से मिली हुई फ्रॉक में से एक सबसे सुंदर फ्रॉक उससे देती है और कहती है, ये लो ये फ्रॉक तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लगेगा और हाँ तुम अपना जन्मदिन बहुत ही अच्छे से मनाना। आराध्या फ्रॉक के साथ साथ उस गरीब लड़की को कुछ पैसे भी देती है, जिसके बाद वह गरीब लड़की आराध्या का धन्यवाद करके खुशी मन से वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वह लड़की खुशी खुशी अपना जन्मदिन मनाती है। वहीं दूसरी तरफ आराध्या अनोखे कुएं से और भी फ्रॉक मांगने जाती है। हे अनोखा कुआं, आपने मेरी बहुत मदद की, मैं आपकी आभारी हूँ, लेकिन आज मुझे आपसे और भी फ्रॉक चाहिए ताकि मैं उन्हें भी बाजार में बेचकर और भी गरीब और मजबूर लोगों की मदद कर सकूं, साथ ही अपना घर भी चला सकूं। आराध्या के इतना कहते ही अनोखे कुएं के अंदर से बहुत सारे खूबसूरत फ्रॉक निकलकर बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद आराध्या अनोखे कुएं का धन्यवाद करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनोखा कुआं जी, आज आपकी वजह से मैं गरीब लोगों की मदद कर पा रही हूँ, ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। अगर आप मेरी मदद नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। अरे अरे तुम्हें हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आगे भी इसी तरह से तुम्हारी मदद करता रहूँगा। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत हो तो मेरे पास दौड़ी चली आना और मैं तुम्हें ढेर सारे फ्रॉक दूंगा, वो भी मुफ्त में। आराध्या वहाँ से सारे फ्रॉक लेकर घर आ जाती है और बाजार में जाकर बेचना शुरू कर देती है। शाम होने तक आराध्या उन सारे फ्रॉक को बेचकर अच्छा पैसा कमा लेती है और खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। इसी तरह आराध्या की सारी परेशानी दूर हो जाती है और अब आराध्या के जीवन में खुशियां ही खुशियां होती है। साथ ही वो अनोखे कुएं के फ्रॉक की मदद से गरीब और असहाय लोगों की मदद करने लगती है। चांद पर जादुई लहंगों के घर का जादू। रामगढ़ एक बहुत ही खूबसूरत राज्य हुआ करता था।
लेकिन कुछ सालों से मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे रामगढ़ राज्य की खुशियों पर किसी बुरी शक्ति का प्रकोप लग गया हो। इन दिनों कहीं पर भी अचानक से आग लग जाती और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वह आग पहले अपने आप ही बुझ जाती और फिर गायब हो जाती। वहाँ के लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ ये क्या हो रहा है। अरे निर्मला बहन, क्या बताऊं, मैं तो बर्बाद हो गई, लुट गई। कल मेरी पूरी की पूरी फसल आग में जलकर स्वाहा हो गया, सब बर्बाद हो गया मेरा। अब मेरा घर कैसे चलेगा? अब मैं तुमसे क्या कहूँ जानकी बहन, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर राख हो गया। मैं तो कई दिनों से अपने बच्चों के साथ सड़क पर रह रही हूँ। निर्मला बहन, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? हमें जल्दी ही महारानी लीलावती से मदद लेनी होगी। अब वही इस मुसीबत से बचने का कोई उपाय हम सबको बता सकती है। जानकी और निर्मला समेत राज्य के कई लोग महारानी लीलावती से मिलने उनके राज्य में गए। महारानी लीलावती खुद ही इस आफत की वजह से परेशान थी, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी और उस आग में उनके भी कई कीमती सामान जलकर स्वाहा हो चुके थे। देखिए, महारानी के रहते अगर हमारी प्रजा को कष्ट हो रहा है तो ये मेरे लिए बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं खुद ही पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से छुटकारा पाने की सोच रही हूँ। लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए, ये हमें भी समझ में नहीं आ रहा। महारानी, अगर ऐसा ही चलता रहा फिर हम सबको जल्दी ही इस राज्य को छोड़कर यहाँ से दूर जाना होगा। तभी दरबार की राजमाता कहती है, इस राज्य को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि तुम में से कोई भी अगर यहाँ से जाने की सोची तो वो आग तुम लोगों को मारकर झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने किसी की जान नहीं ली है, लेकिन अगर कोई भी गांव से बाहर गया तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये सब इस गांव में क्यों हो रहा है? अरे, तुम लोगों ने जो बोया है वही तो काटोगे। बूढ़ी राजमाता की बात को सुनकर पूरे राजमहल में खामोशी छा जाती है। राजमाता, ये आप क्या कह रही हैं? आखिर हमसे ऐसी कौन सी भूल हुई है? महारानी, इस पूरे राज्य पर देवी माँ का क्रोध फूटा है, और देवी माँ के इस क्रोध से देवी माँ की वो सच्ची भक्ति हमें बचा सकती है। कौन है वो भक्त राजमाता? मैं खुद उनके पास जाऊंगी और उसके पैरों में गिरकर इस राज्य को देवी माँ के क्रोध से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करूंगी। मिष्टी नाम है उसका। मिष्टी? ये नाम तो कुछ सुना सुना लग रहा है। हाँ, ये वही मिष्टी है जिसे इस गांव के लोगों के द्वारा ऐसी सजा दी गई जो उसने की ही नहीं। मिष्टी एक अनाथ लड़की थी, वो भेड़ बकरियां चराया करती थी। उसके माता पिता का कोई पता नहीं था, क्योंकि मिष्टी जब बहुत छोटी थी तभी वो मंदिर के बाहर यशोदा को रोती हुई मिली थी। अरे, ये बच्चा किसका है? कितनी प्यारी बच्ची है। इस मासूम को इस तरह यहाँ रोता छोड़कर कौन चला गया? यशोदा ने आसपास देखा, लेकिन उसे वहाँ कोई दिखाई नहीं दिया। यशोदा उस बच्चे को अपने घर ले आई। यशोदा माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। उसकी कोई औलाद नहीं थी, वह मिष्टी को ही अपनी बेटी की तरह पालने लगी। लेकिन जब मिष्टी 12 साल की हुई तो एक दिन यशोदा की भी मृत्यु हो गई और मिष्टी बेचारी एक बार फिर से अनाथ हो गई। यशोदा के मर जाने के बाद मिष्टी ही उसके भेड़ बकरियों को चराया करती थी। मिष्टी यशोदा के भेड़ बकरियों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा करती थी। वो उसे हर दिन चराने ले जाया करती थी। देखो, जंगल में इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, चलो चलो। मिष्टी की भेड़ और बकरियां उसकी बात को बहुत अच्छे से सुनती थी। मिष्टी बहुत ही सीधी, भोली और ईमानदार थी। वह बाकी समय माँ दुर्गा भक्ति में देती और उसका गुजारा बकरियों के दूध और भेड़ के ऊन से किसी तरह से चलता था। मिष्टी हमेशा खुश रहती थी, लेकिन एक कसाई की नज़र मिष्टी के भेड़ और बकरियों पर थी।
उसने एक दो बार उसके भेड़ और बकरियों को चुराने की भी कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इस मिष्टी ने अपने भेड़ और बकरियों पे पता नहीं कौन सा जादू कर दिया है। ये तो किसी लालच में नहीं आती, मुझे कोई दूसरा रास्ता ही अपनाना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को रुपयों का लालच देकर मिष्टी को फंसाने की एक योजना बनाई। मिष्टी हर शाम अपने भेड़ और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आती थी और वहाँ काफी देर तक बैठकर माता रानी की प्रतिमा को एक टक देखती और उनसे ढेर सारी बातें किया करती थी। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर चढ़ाती तो कभी फल। यशोदा के जाने के बाद वह दुर्गा मैया को ही अपनी माँ मानकर हर सुख दुख उनसे बताया करती थी। उस शाम भी मिष्टी मंदिर में ही बैठी थी, तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। हाय, घोर अनर्थ हो गया, मंदिर में चोरी हो गई, माता के सारे आभूषण की चोरी हो गई। उस समय मिष्टी मंदिर में अकेली थी, इसलिए पुजारी ने चोरी का सारा इल्जाम मिष्टी पर लगा दिया और चिल्ला चिल्ला कर लोगों को इकट्ठा कर लिया। पुजारी जी, ये आप क्या बोल रहे हैं? मैंने कोई चोरी नहीं की है, मैं तो अभी अभी यहाँ आई थी। मैं चोर नहीं हूँ पुजारी जी, मैं भला माता का आभूषण क्यों चुराऊंगी? नहीं पुजारी जी, नहीं, मैं ऐसा पाप कभी नहीं कर सकती। अरे ये तो मेरी माँ है। ए लड़की, तू ज्यादा सीधी बनने की कोशिश मत कर, सीधा सीधा बता आभूषण कहाँ है। लगता है ऐसे नहीं बोलेगी, इसे महारानी लीलावती के पास लेके चलो, अब वही इसको सजा देगी। बेचारी मिष्टी को क्या पता था कि वह किस तरह से साजिश का शिकार हो रही है। उसे महारानी के पास ले जाया गया। पुजारी, कसाई और गांव के लोग मिलकर मिष्टी को चोर साबित कर देते हैं। चोरी की सजा में महारानी उसे 100 कोरे मारने की सजा देती है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझ पर दया करो, आह मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। राज्य के नियम के अनुसार मिष्टी को गांव से निकाला मिलता है। बिना किसी गलती के मिष्टी को सजा मिलती है। मिष्टी के जाते ही वह कसाई उसके सारे भेड़ और बकरियों को मारकर उसका मांस बेचकर बहुत से पैसे कमाता है। उधर मिष्टी दूसरे राज्य में तो चली जाती है, लेकिन उसे अपने भेड़ और बकरियों की बहुत याद आती है। एक दिन वह छुपकर अपने भेड़ बकरियों को देखने रामगढ़ राज्य आती है, लेकिन वहाँ आने के बाद उसे पता चलता है कि उसकी सारी भेड़ और बकरियाँ तो मारी गई। यह सुनकर मिष्टी को बहुत ही दुख होता है। हे दुर्गा मैया, तेरे होते हुए मुझे मेरी बिना गलती की सजा मिली, मेरे मासूम भेड़ बकरियों को भी सजा मिली, अब मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी। यह सोचकर मिष्टी आत्महत्या करने के लिए पहाड़ी पर चली जाती है। मिष्टी जैसे ही पहाड़ी से कूदने वाली थी, तभी एक परी ने उसे देख लिया और वह उसकी जान बचाती है। बेटी, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है। परी जी, मुझे इस शालीम दुनिया में जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खत्म हो गया, प्लीज मुझे मर जाने दीजिए, मैं अब नहीं जीना चाहती, मुझे मर जाने दीजिए। परी ने मिष्टी को बहुत समझाया। मिष्टी परी की बात तो समझ गई, लेकिन वो अब इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। परी जी, मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगी, लेकिन अगर मैं यहाँ इस धरती पर रही तो पल पल मरती रहूंगी, मुझे आप यहाँ से कहीं दूर भेज दो, प्लीज परी जी। धरती पे नहीं रहना है, फिर कहाँ रहना चाहती हो मिष्टी? मुझे नहीं पता, लेकिन इतनी दूर रहना है जहाँ कोई भी इंसान नहीं हो। ठीक है, मैं तुम्हें चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में भेज देती हूँ, अब तुम वहीं सुकून से अपनी बाकी की बची हुई जिंदगी बिताना। तभी परी एक जादू करती है और मिष्टी उड़ते हुए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में पहुंच जाती है और वो वही जादुई लहंगों के घर में रहने लगती है। लेकिन कहते हैं ना, किसी निर्दोष माता के भक्त पर किया गया अत्याचार लोगों को एक न एक दिन भोगना ही पड़ता है। मिष्टी को उस राज्य के लोगों ने बहुत ही परेशान किया था, इसीलिए माता का क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजमाता, ये तो हमसे घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ। इसीलिए तो माता का कहर इस राज्य के लोगों पर बरस रहा है। लेकिन राजमाता, हमें इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजमाता?
हमें फिर से मिष्टी को यहाँ लाना होगा, यहाँ इस गांव में। और वही अब माँ दुर्गा से प्रार्थना करके माता के कहर से इस गांव को बचा सकती है। राजमाता, लेकिन मिष्टी तो हमेशा के लिए चांद पर बने जादुई लहंगों के घर में रह रही है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे? चांद पर जाने का मार्ग आपको उसी परी से मिलेगा जिसने मिष्टी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है महारानी, वो परी मेरी खास चहेती है। ये चिट्ठी देखकर वो आपकी मदद जरूर करेगी। आपको चांद पर जाकर मिष्टी को यहाँ आने के लिए मनाना होगा और उसे उसके भेड़ बकरियाँ फिर से देनी होगी। लेकिन उससे पहले उस कसाई और उस पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। महारानी ने उस कसाई और पुजारी को कठोर दंड दिया और उसके बाद राजमाता से वो चिट्ठी लेकर परी की तलाश में निकल पड़ी। आखिरकार उन्हें वो परी मिल गई और महारानी ने वो चिट्ठी उस परी को दे दी। उस परी ने फिर से एक बार जादू किया और महारानी अचानक से हवा में उड़ते हुए चांद पर पहुंच गई। वहां पर उन्होंने देखा कि मिष्टी चुपचाप उदास सी अपने जादुई लहंगों के घर में बैठी है। महारानी लीलावती मिष्टी के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मिष्टी ने जब महारानी को अपने सामने देखा तो उसे थोड़ा गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब महारानी ने कहा, हमें माफ कर दो मिष्टी, कृपया हमें माफ कर दो, हमें सारी सच्चाई का पता चल गया है, हमने असली दोषी को सजा भी दे दिया है। महारानी, आपकी इस सजा से क्या मेरी मासूम भेड़ बकरियाँ वापस आ जाएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, बिना कसूर का सजा दिया गया मुझे, वो दर्द वापस हो सकता है क्या? बताइए मिष्टी, उसी की तो सजा पूरा राज्य भुगत रहा है। मिष्टी, सबकी जान अब तुम्हारे हाथों में ही है। अगर तुम यहाँ से वापस उस राज्य में नहीं गई, तो सब कुछ खत्म हो जाएगा मिष्टी। उसके बाद महारानी लीलावती ने मिष्टी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर मिष्टी बहुत ही चिंतित हो गई और उसे भी अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वह उसी समय महारानी लीलावती के साथ धरती पे जाने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों हवा में उड़ते हुए चांद से धरती पर आ गए। मिष्टी तुरंत दुर्गा मंदिर में गई और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगी। माँ, दया कर माँ, माफ कर दे माँ इस राज्य के लोगों को। माँ, अपना कहर वापस ले लो माँ, अपना क्रोध वापस ले लो माँ। मिष्टी के कहने पर मंदिर से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर ज्योति घने बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी भी फसलें जल गई थी, जिनका घर जल गया था, सब कुछ उन्हें वापस मिल गया। मिष्टी अब धरती पर ही रहने लगी। महारानी ने उसे नई भेड़ और खूब सारी बकरियाँ दी। मिष्टी अभी भी हर दिन अपने भेड़ और बकरियों को चराती और उसी आस्था के साथ माता के मंदिर में जाकर रोज पूजा किया करती थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल जादुई टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ ऐसे ही फिर किसी नई मजेदार जादुई कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।